तो अभी मैं हूँ जयखाल में और सुबह के बज चुके हैं 7 और अब पहाड़ों का मौसम देखिए आप, बहुत ही भयंकर होता हुआ ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई और लगता है अब अगले महीने में बर्फबारी देखने को मिलेगी हमारे साइड को। और पूरा कोहरा लगा हुआ है, आसमान पूरा ख़राब, लगता है कुछ देर में बारिश भी आ सकती है। तो ये अब जो कोहरा है वो ऊपर जाने लग गया है और यहाँ से हल्का हल्का जो घाम होता है धूप वो आ रही है और वो यहाँ सीधे ऊपर जो नंदा का डांड है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रखी है। और बाकी अभी देखिए आप, पूरा कोहरा लगा हुआ है और यहाँ पे है बशकूर और इधर मजगांव गांव और यहाँ पे है मजगांव तल्ला और सामने आपको खंडाई और मयाल गांव दिख रहे हैं। तो पहाड़ों में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता हुआ। तो दोस्तों ये है मयाल गांव और जो आपको यहाँ पर टेंट लगा दिखाई दे रहा है इसमें हो रही है रामलीला जो कि 7 तारीख से हो रही है और जितने भी आसपास के गांव हैं वो आके यहाँ पे देख सकते हैं। तो आखिर में हमारे यहाँ पे धूप आ ही चुकी है और सामने हमारा घर और अभी इधर देखिए आप, तो यहाँ पे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है और अभी चलते हैं घर, तो घर से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप इधर देखिए कितना भयंकर कोहरा लगा हुआ है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उसके आगे और ऐसे लग रहा है जैसे ये पहाड़ उसके ऊपर होंगे। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से और यहाँ पे सूरज है। और वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्ते, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इधर हम भी मस्त हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। अभी सुबह पहाड़ों पे बहुत भयंकर कोहरा लगा हुआ था जो कि अब हट चुका है और हल्की सी अब धूप भी आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए पपीते पक गए थे और चिड़िया इसे खा रही है और इसको देखिए कितना बड़ा पपीता है, ये कम से कम होगा 4 से 5 किलो का, ये भी पक चुका है तो इनको अब दिन में काट के खाएंगे। तो दोस्तों आज है 9 नवंबर और आज है उत्तराखंड का बर्थडे, तो आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्तराखंड को बने आज 21 साल हो गए हैं और इसका पहले का नाम था उत्तरांचल जो कि बाद में उत्तराखंड कर दिया गया, लेकिन उत्तरांचल भी नाम सही था यहाँ के हिसाब से। तो हमने अभी हमारी 3 पलकुंडे रह रखी है लगाने के लिए और अगर बारिश आती तो फिर भागा दौड़ी करनी पड़ती वहाँ नीचे खेत में और आज पूरा काम ही काम है। फिर भी शाम को बकरे नहीं ले जाएंगे हम चराने के लिए और अभी मैं जाऊंगा अपने खेत में। तो मेरी माँ ने तो सुबह से रोटी बना रखी है अपने लिए और मेरा फास्ट है और अभी मैं आ रखा हूँ अपनी छन्नी में गाय में घास डालने के लिए। तो मेरी तैयारी अब हो रही है खेत में जाने की और आज बहुत सारा काम है खेत में और मैंने साथ में चाय भी बना के ला रखी है और मम्मी के लिए रोटी है और देखते हैं फिर कितना घास आज लगता है। तो उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए हैं और 21 साल में उत्तराखंड में बहुत कुछ बदलाव आ गया है, मतलब बहुत बुरे हाल है पहाड़ों के और जहाँ पहले बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती थी आज वहाँ सारे खेत बंजर और बहुत सारे गांव बहुत ज़्यादा पलायन की वजह से खाली हो चुके हैं। तो हमारे घर से और नीचे पूरे खेत पूरे बंजर हैं और इनका बंजर होने का एक मुख्य कारण था यहाँ के जंगली जानवर। और एक पलकुन हमारी यहाँ पे लगेगी और यहाँ देखिए सुबह से मम्मी ने बहुत सारा घास सार लिया है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, अब मेरी बारी है और मम्मी तब तक रोटी खाएगी और मैं घास ऊपर लेके आता हूँ नीचे से। तो ये वाले जो खेत हैं ये हमारे आगे ही बंजर पड़े हैं और इनका मेन जो बंजर होने का कारण था वो था लोगों ने सब ने एक एक करके खेत छोड़ दिए और उसके बाद से यहाँ पे देखिए आप इधर सूअर आया है और जंगली जानवर के कारण हमने अपने खेत छोड़ दिए। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, उसके बाद सारेंगे घास, मैं रोटी खा रही हूँ इधर।
तो अब करते हैं काम शुरू और पहले साड़ते हैं घास। और यहाँ पे मम्मी ने अभी सांप भी देखा, इसलिए रास्तों पर देख के चलना होगा क्योंकि आजकल हरे सांप और धूप भी अच्छी खासी आ रही है तो सांप बाहर निकलते हैं। तो अभी मैं हूँ ठीक अपने प्राइमरी स्कूल के सामने, और प्राइमरी स्कूल है यहाँ नीचे और इस साड़ी का नाम है माया खाना के बल्दी। हाँ, तो इस जगह का नाम है तिमला डांग क्योंकि यहाँ पे तिमले का पेड़ था या ऊपर था, अभी ऊपर है। अभी पहले घास आ लेते हैं उसके बाद आपको मिलते हैं। तो अभी इतना घास हम यहाँ पे लेके आ गए हैं, मैंने तो अभी एक ही घास डाल रखी है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ से पूरा खेत इधर और ये वाला घास भी बांधना है पूले बनाने इसके गठियाँ एक एक, और यहाँ पर पूरा हमारा ही घास है। तो भाई बहुत काम वाले दिन आ रखे हैं और मेरी मम्मी मेरे लिए कम कम बांध रही है और बोल रही है कि तेरा आज बर्थ है, तो भाई काम करना है तो ढंग से करना है ना। तो पलकुंड लगाना शुरू कर दिया है हमने और इतना सारा घास है अभी, थोड़ी सी ये लगी है अभी पलकुंड। तो हमारी पलकुंड लग चुकी है और यहाँ से पूरा घास जितना भी था इस पे पूरा लग गया है, काफी बड़ी पलकुंड लगी हुई है। अभी एक पलकुंड लगानी है सीधे यहाँ पे और उसके लिए घास हमें यहाँ से लाना होगा जो कि हमने अभी बांधा भी नहीं है, उसको पहले बांधना होगा। इसके ऐसे पुले बनाने होंगे तब इसको यहाँ से ऊपर डालना पड़ेगा। तो मम्मी अब घास बांध रही है और मुझे घास बांधना नहीं आता है तो मेरी ड्यूटी लगी इसको ऊपर लाने की। और अभी तो यहाँ पे बना है सुअर ने अपना घोल यानी कि घर, और ये उसका घर है, अब तो ये ज़रा पुराना हो चुका है। तो ये है सुअर का घर और उसने एक घास का बना रखा है, और यहाँ देखिए आप यहाँ से अंदर पूरा खाली है, यहाँ से घुसता है अंदर। तो अभी टाइम हो रहा है 3:10 और मैं जा रहा हूँ घर, हालत ख़राब हो चुकी है और पूरी पीठ पे कुमर लगे हुए हैं। भाई घास साड़ने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये जो कुमर लगते हैं ना इनसे बड़ी तकलीफ होती है और ये चुभ भी रहे हैं, तो मुझे निकालनी है घर पे जाके गाय, और गाय निकाल लेंगे हम। उसके बाद फिर दोबारा मुझे यहाँ नीचे आना है और चाय मैंने दिन की बना के ला रखी है। तो बिटू हो गया तैयार, अब बिटू सना बाहर जा और घाम भी छिन बढ़िया। तो पहाड़ की जवानी आजकल घास आ रही है और हमारा ये तीसरा चक्कर है और अभी हम जा रहे हैं ऊपर घास लेके, और पलकुंड लगाना अब कैंसिल हो चुका है, पलकुंड लगाएंगे हम कल क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है और मम्मी को काटना है घास। तो चलते हैं फिर इसको लेके ऊपर। हेलो हेलो एडवेंचर लाइफ है। हेलो हेलो यार, रस्सी लगा के नीचे और ऐसे ही आते हैं पेड़ों से नीचे। अभी आप देखिए हैं, हाँ शाबाश। तो अब हम चलते हैं घर पे और घास हमने यहाँ पे पूरा डाल दिया है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और छुट्टी हो चुकी है हमारी,
और थोड़ा आराम करेंगे और मम्मी काटेगी घास गाय के लिए। और यहाँ देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घास आस मैंने सारा मतलब नीचे से लेके आया मैं ऊपर, और यहाँ पे भी डाले मैंने दो बीघे घास। तो सुबह मैं गया था बकरों में और 1:30 बजे से मैं यहाँ खेत में आ गया था अपने, अभी 4:30 हो रहा है। तो अभी तक मैं पूरा काम ही कर रहा था, और मानना पड़ेगा हमारी पहाड़ की महिलाओं को आज देखा मैंने, मतलब जब मैंने खुद इतना काम किया, पहले मेरी दोनों बहनें थी जिनकी अब शादी हो चुकी है, तो पहले वो कर देती थी काम खेत का और मैं घर का काम करता था, लेकिन अब उनकी शादी हो गई है, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता है माँ के साथ। तो सलूट है मेरा पहाड़ की महिलाओं को जो सुबह से और रात तक बहुत सारा काम करती है। आज मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत सारे घास को मैंने नीचे वाले खेत से ऊपर वाले खेत में डाला, और ये वाला हाथ भी मेरा जो दायां हाथ है वो भी मेरा 2-3 दिन से दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे अपना पहाड़ी गीजर जिसे हम बोलते हैं, ये इसको भी मैंने ऑन कर दिया है, अब ये पानी गर्म कर देगा कुछ देर बाद। तो पहाड़ों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठंडे पानी से हाथ मुँह अब धो नहीं सकते, इसलिए पानी गर्म करना पड़ रहा है। तो सारे दिन काम के बाद और अब मैं जा रहा हूँ कुंडिल, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।